हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक्स मैग्नेट। आज हम डिस्कस करेंगे केबीसी ग्लोबल शेयर के रिगार्डिंग, जो कि काफी अच्छा शेयर है। अगर ये अपर सर्किट में शेयर जाता है तो काफी अच्छा रिटर्न भी देता है, बट अगर एलसी लग जाए तो, क्योंकि अपर सर्किट और लोअर सर्किट वाले स्टॉक होते हैं उसमें हमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, अगर लॉस होता है तो बहुत उसमें भी थोड़ा सा ज्यादा ही लॉस हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में जो पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, जो पूरा का पूरा मार्केट यहाँ पे पैनिक शो हो रहा है, पूरा का पूरा क्रैश हो रहा है, उसकी वजह से इन सब स्टॉक्स में भी हमारा कहीं ना कहीं लोअर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। कुछ ही स्टॉक्स है जिसमें हमारा लोअर सर्किट नहीं लगा, अदरवाइज आप यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी इसके रिलेटेड वाले शेयर है उसमें भी 6%, 6.5%, 7.5%, 9%, मतलब काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं -4.76 का लोअर सर्किट लगा हुआ है। प्रीवियस डे की क्लोजिंग देख सकते हैं 3.15 की, और आज 3 की क्लोजिंग हमें दी है। 5 डे के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा डाउनफॉल है, और 2 दिन से तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ रहा है। उससे पहले तो आप देखेंगे तो अभी फिर भी कंसॉलिडेट है, और यहाँ पे जो अभी कोरोना के चक्कर में जो मार्केट में सिचुएशन आई है, बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली है। 1 मंथ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 17.65% का यहाँ पे हमें शो हो रहा है। आप यहाँ पे पॉजिटिव मूव अगर देखेंगे यहाँ तक का, लेकिन अगर आप यही मूव यहाँ तक का देखेंगे ना, तो लगभग हमारा 30-40% का काफी अच्छा मूव देखने को मिल रहा था। एंड उसके बाद तो ये ऑलमोस्ट हमारा साइडवेज ही है ना, और उस टाइम तो काफी, अगर 1 ईयर के अकॉर्डिंग तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे सो ही गया, ज्यादा उतना मोमेंटम है नहीं, क्योंकि जो 14-15 रुपये का शेयर 3 रुपये का प्राइस डील कर रहा है, तो फिर क्या मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 76% के यहाँ पे डिलीवरी उठाई गई है, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मूव आने वाले टाइम में मूव हमें देखने को मिल सकता है। क्वांटिटी ट्रेडेड आप देख सकते हैं यहाँ पे 13,000 समथिंग है, और डिलीवरेबल क्वांटिटी 10 लाख है, और परसेंटेज की बात करें तो 76.61% की है। बात करते हैं आप एनएससी की वेबसाइट पे, एनएससी की वेबसाइट पे तो जबरदस्त सेल ऑर्डर लगा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 52,95,880 का यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा हुआ है। 3 रुपए के भाव पे, 3 रुपए 5, 3 10, 3 15, 3 20 के भाव पे यहाँ पे इतनी सारी क्वांटिटी, लगभग 52,95, इतनी सारी क्वांटिटी अभी भी सेल ऑर्डर के लिए ही लगा हुआ है। आप देख सकते हैं एनएससी की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं मंडे को भी इस वाले शेयर में पर्टिकुलर स्टॉक जो है हमारा केबीसी का जो शेयर है, उसमें कहीं ना कहीं हमारा अगेन लोअर सर्किट लगने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी। देखिए सिंपल सी बात है, जो हम काम करते हैं वो प्रोबेबिलिटी बेस पे करते हैं कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। अगर हाई प्रोबेबिलिटी अपर सर्किट जाने की तो हम लोग बाय करेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी डाउन साइड जाने की तो या तो हम बाय अवॉइड ही करेंगे, राइट। अगर हमने ले भी रखा है तो हम कोशिश करेंगे कि अभी मार्केट नेगेटिव जाना स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको पोजिशन को कट कर दें। मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम प्राइजेक्शन की बात करेंगे, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ है वो 3 की स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस 11 है। नेगेटिव ब्रेकडाउन थर्ड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट को डाउन साइड से मार्केट ने ब्रेकडाउन करके रखा है। अपॉर्चुनिटी हो रही है तो यानी बहुत ज़्यादा, मैं आपको ये वाला पोर्शन आपको जूम करके दिखाती हूँ क्योंकि कुछ लोग फोन में देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए नेगेटिव ब्रेकडाउन थर्ड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट को भी डाउन साइड से नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। मैं आपको अगेन किनेश लगा के दिखा देती हूँ, बेटर रहेगा। ये आप देख सकते हैं कितना क्लियर आपको मोमेंटम शो हो रहा है, देख सकते हैं आप। यहाँ से एक अच्छा खासा हमें अपसाइड का मूव भी देखने को मिला, ये देखिए हायर हाई को भी इसने ब्रेक कर दिया। जब इसने इस वाले लो को रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे मूव चलना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी था कि एक पिछले लो को रिस्पेक्ट किया मतलब मार्केट ऊपर, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले हाई ने इस वाले हाई को रिस्पेक्ट ही नहीं किया। मैं आपको दिखा देती हूँ ये, अब मैं इसको थोड़ा सा साइड करके मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ। प्राइस एक्शन, प्योर प्राइस एक्शन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस वाले हाई ने जो ये वाला हाई लगाया, अगर इस वाले हाई को यहाँ पे अपसाइड से ब्रेक कर देता तो और मूव हो सकता था, बट इसका और भी एक रीज़न है, बिकॉज जो इसका फंडामेंटल है ना वो भी थोड़ा सा वीक है, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा बाइंग नहीं होती उतनी हाई लेवल पे, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे फंडामेंटल वीक है। थोड़ा सा क्वार्टरली का रिजल्ट भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बीच में हमें डाउन देखने को मिल जाता है, तो इसकी वजह से ये शेयर हमारा इस टाइप से परफॉर्म कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले हाई को इसने ब्रेक नहीं किया है, ब्रेक ना करने की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, और अगेन अभी भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट ये वाला तो आप मान के चलिए कि यहाँ तक तो मार्केट जाएगी ही जाएगी, मतलब इसके नीचे तो रुकने का कोई चांस ही नहीं है। 2.80 का फ्लैट एक सपोर्ट है यहाँ पे, यहाँ तक तो मार्केट आएगी आएगी, यहाँ से अगर ऊपर जाएगी तो एक अच्छी बात है,
अगर नहीं जाएगी तो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट सीधा 2 रुपये 20 पैसे का है, उसके बाद हम लोग वेट करेंगे। जब भी हमें कुछ अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम होगा, तब हम लोग अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अभी हम लोग कुछ टाइम तक हम लोग को क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुकी है, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन मार्केट में आ चुका है। मैं आपको और भी यहाँ पे देखी थी बड़ी बड़ी कैंडल्स है यार, मुझे नॉर्मल कैंडल्स भी मैं आपको दिखाऊँ स्ट्रेट, तो आप पूरा का पूरा सर्किट ही देख सकते हैं, राइट। वरना आज के यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे काफ़ी कम वॉल्यूम है, 26 लाख की है, प्रीवियस डे से भी कम वॉल्यूम है। मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो नेट सेल है 2022 का ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, जून का शो हो रहा है, 14% डाउन है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, देखिए सिंपल सी बात है ना। आप यहाँ पे बाइंग देखेंगे तो 67% लोग बाइंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गिरते मार्केट में बाइंग करते हैं ताकि और मार्केट ताकि कहीं का फिर रिवर्स होगा तो उनको प्रॉफिट होगा, बहुत लॉन्ग टर्म तक का जो सोचते हैं वो। 33% हम यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं, राइट। मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये हम लोग देख लेते हैं मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है 187 है, करंट प्राइस है 3, हाई गया है 18.9, लो गया है 2.13, फेस वैल्यू है इसका 1, ROE है 13.1, बुक वैल्यू है 2.30, स्टॉक का PE है 21.5, ROCE है 17.2। और आप ग्लोबल मार्केट में है, मतलब किसी ग्लोबल ऐप में आप दिखा देती हूँ, ये जो मार्केट है ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 EMA के नीचे ही ट्रेड कर रही है, तो यहाँ एक बार तो ऊपर जा भी रही थी, इसने 50 DMA को ऊपर से कट भी किया, बट स्टिल अब वहीं पे मार्केट आ गई है। और अभी देख सकते हैं तो एक यहाँ पे अगर हम इंडिकेटर को देखें तो इंडिकेटर तो ये कहते हैं कि यहाँ पे भैया एक सपोर्ट है, लेकिन एग्जैक्ट सपोर्ट तो ज़्यादा नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन दे दिया ऐसे ऊपर से, तो उस टाइप से भी हमें देखने को मिल जाता है, राइट। मैं आपको दिखा देती हूँ, प्रॉस तो एक भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें कौन सा शो हो रहा है, कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज्ड ओवरनाइट, मतलब उन्होंने अपनी क्वांटिटी भी कम कर रखी है लास्ट क्वार्टर से, द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ भी कम हो गई है, 5 ईयर के अकॉर्डिंग -79% की हो गई है, प्रमोटर की होल्डिंग भी कम हो गई है, 12% कम हो गई है, एंड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डाउन है। मैं आपको और भी चीज़ें दिखा देती हूँ, क्वार्टरली का जो रिजल्ट है आप ये देखिए, पिछली बार था 1.03 और इस बार देख सकते हैं 1.03, हालांकि बीच बीच में 4, 2, 3, 4, 12 तक गई है मार्केट, 6, 4 उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डाउन है यार, सीरियसली आप ये चीज़ चेक करो, ये देखो और ये क्वार्टरली का रिजल्ट है, 0.10, 4.94, 1.82, और आप ये सारी पोर्शन चेक करो, ये देखो और आप ये देखो, बहुत ज़्यादा डाउन है, तो मार्केट तो नीचे जाएगी जाएगी, प्राइस तो कम होगा ही, प्रॉफिट लॉस में भी अगर देखें तो बीच बीच में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी हुए हैं, हालांकि 600, 700, 1300, 900, 2000, 1700 भी, ये देखिए 17, 20, 9, 12 यहाँ पे थोड़ा सा कम था, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके अकॉर्डिंग पिछले का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का अगर हम देखें तो 5 साल के अकॉर्डिंग अभी मतलब यहाँ से लेके 18, 19, 20, 21, 22 अभी TTM का देखेंगे तो 8.73 है, जो कि कम है, इस कम की वजह से ही कहीं ना कहीं मार्केट हमारी डाउन जा रही है और इन्वेस्टर्स का यहाँ पे लॉस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हम कहते हैं अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम बाय सेल दोनों साइड में कर सकते हैं, प्योर प्राइस एक्शन इंडिकेटर के बेस पे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमें कहीं ना कहीं फंडामेंटल भी देखना पड़ता है कि आने वाले टाइम में कंपनी कितना ज़्यादा ग्रो कर रही है या फिर नहीं कर रही है, क्या सिचुएशन चल रही है, तो हम लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस शीट को भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बैलेंस शीट में भी यहाँ पे थोड़ा पैनिक सिचुएशन है, बिकॉज आप ये देखिए बोरोइंग्स इसकी आप देख सकते हैं 1003.79, रिजर्व देख सकते हैं 80.20, और ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं 100, ये सब चीज़ें हुआ है, ये हमारा थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गया है, रिजर्वेशन हमारा कम है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव है, बोरोइंग्स ज़्यादा है वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव है, इन्वेस्टमेंट भी देख सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग है, और भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स का जो है पहले से उन्होंने अपनी पोजीशन काटी है, 12.76 है, पब्लिक का पैसा देख सकते हैं 87.25 है पब्लिक, और DII का पैसा उसमें नहीं लगा अभी, तो पहले तो इन्होंने FII का पैसा लगा भी हुआ था, ये देख सकते हैं 12, 10, 21 सब उन्होंने सारी पोजीशन अपनी कट कर दी,
ये देख सकते हैं, FII ने भी अपनी पोजीशन कट कर रखी है एंड DII ने भी अपनी पोजीशन यहाँ से, ये देखिए, ये देखिए DII का पोजीशन है ही नहीं पहले, तो फिर भी इन्होंने पोजीशन बना के रख रखी थी। एंड लेट्स सी, आप देख सकते हैं, तो बहुत अच्छी पोजीशन हो गई थी यहाँ पर भी, बहुत अच्छी पोजीशन 2021 में 22 में ज़बरदस्त मार्च तक की पोजीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे डाउन साइड में जाए तो ना हमने सारी पोजीशन कट मारी जीरो जीरो। तो ये सारा का सारा बर्डन किस पे आ गया, पब्लिक के ऊपर। देख सकते हैं सारा का सारा पैसा पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। इसको आप ध्यान से देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे समझ जाएंगे। पहले 34 34 फिर 32, धीरे से आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद धीरे धीरे पब्लिक का पैसा यहाँ पे बढ़ रहा है। तो लॉस किसका होगा, पब्लिक का होगा। लॉन्ग टाइम तक ऐसे स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसका फंडामेंटल वीक हो। जिसका फंडामेंटल वीक है उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको इन्वेस्ट करना है ओनली फॉर स्विंग ट्रेडिंग के लिए करें, मार्केट ऊपर जा रही है हम अपना प्रॉफिट लेके बाहर आ जाएंगे, दैट्स इट, इससे ज़्यादा ना ट्रेड करें, राइट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अगेन सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पहला सा बेल आइकन होगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो जिससे एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। एंड आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी शेयर के रिगार्डिंग एनालिसिस वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। एंड अगर कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसको सॉल्व कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।